दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। नौगांव के बिलहारी में 30 एकड़ भूमि पर 1 करोड़ की लागत से बनी मंडी का शुभारंभ हुआ, जहां पर कई किसान और व्यापारी अपना माल लेकर आए, जहां पर व्यापारियों ने माल की बोली लगाई। बोली लगाने के बाद माल को खरीद लिया। ये पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिनेत पटेलिया, भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सोलंकिया और लव सुबेरे ने मंडी का चार्ज किया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अभिनेत पटेलिया ने बताया कि हमारी सरकार किसान और सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। किसानों ने अपनी खुशी जाहिर की और किसानों ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। जैसा आपको मालूम है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि किसानों की आय हमें दोगुनी करनी है, तो आय तभी दोगुनी होगी जब उनकी कृषि की लागत घटेगी और उनको सुविधा भी प्रदान की जाएगी और एक ऐसे पहुंच मार्ग पर एक स्थान पर मंडी भी शिफ्ट की जाए जहां पर पे लोगों का सहज तरीके से पहुंचे, उन्हें सुविधा व्यापक तौर पर उस क्षेत्र में की जाए। इसी दृष्टि से नवीन मंडी का निर्माण जो हुआ था 3 करोड़ की लागत से लगभग 30 एकड़ की भूमि पर ये निर्माण है। अभी चूँकि बस्ती में नौगांव में हुआ करती थी, आवाजाही में लोगों को दिक्कत हुआ करती थी, पूरा बाज़ार दिन में लोगों को ले जाने में गेहूँ वगैरह सब चीज़ में दिक्कत होती थी, ये आसानी से यहाँ पर पहुँच मार्ग भी है और चारों तरफ गांव देहात का क्षेत्र लगा है जहाँ से कृषि का सामान आता है। तो इस दृष्टि से नवीन मंडी में आज से संचालन हो रही है, इसके तहत हम लोग ने यहाँ पर विजिट किया है। जैसा कि अभी देखा गया है कि एक व्यापारी ने अपना माल लेने से मना कर दिया है, उसने बोला है कि साफ साफ शब्दों में बोला है कि हमको घाटा लग रहा है कि हम अपना माल घर वापस ले जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा? नहीं, ये व्यापारी को या किसान को? किसान को। जैसा आपको मालूम है कि अभी जो अपनी खरीदी केंद्र में खरीदी हो रही है, इस बार गेहूँ वहाँ पर कम आ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। अगर किसान को दूसरी जगह रेट अच्छा मिलता है, अगर हम यहाँ पर कोई 1900 चीज़ में बेचते हैं 1900 रुपये में और बाहर उसे 2100 रुपये मिल रहा है, बेचने में फ़ायदा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि सरकार यही चाहती है कि फ़ायदे का धंधा बनाना चाह रही कृषि को, कि जहाँ हमें लाभ ज़्यादा मिले वहाँ से हम पैसा कमाने की कोशिश करें। कांग्रेस ने तो आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की जो योजना है ये एक व्यापारियों को फायदे की योजना है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है उसका जवाब जनता हमेशा दे रही है। आप विगत 2014 के बाद समस्त चुनाव देखिए, कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। अगर उनकी नीति सही थी, उनकी दिशा सही थी, तो सरकार उनकी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। करौला के क्या ले आए थे? सरसों, गेहूँ, चना। अच्छा, तो बाजार भाव से क्या ऊपर मिला? हाँ ठीक है, भाव कितने रुपए ऊपर मिला? एक दो रुपए। आप खुश हो मोदी सरकार की योजना से? प्रसन्न हो? हाँ, बढ़िया है, प्रसन्न है, खुश हैं।